नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम दयाल पब्लिक स्कूल। आज का हम करने वाले हैं हिंदी व्याकरण में मुहावरे। मुहावरे में आपको क्या करना होता है कि जैसे यहाँ पे आपको दे दिया कुआ खोदना, उसका आप पहले अर्थ लिखोगे कि इन दो शब्दों का अर्थ क्या होता है। उसके बाद आप इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग भी करोगे। जैसे कुआ खोदना, हानि पहुंचाने का प्रयत्न करना यानी कि कोशिश करना। हम प्रयोग करेंगे जो दूसरों के लिए कुआ खोदता है वह उसी में गिर जाता है। तो आपको क्या प्रयोग करना है, जो दूसरों के लिए कुआ खोदता है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन वाला भाग आया था ना, कुआ खोदना, वो आपको इस वाक्य में प्रयोग करना होगा। जैसे अगर हम किसी के लिए कोई गलत बात सोचे कि जैसे मान लो हम एक खड्डा खोद के रखते हैं, उस खड्डे में हम ये सोचे कि उस खड्डे को हम ढक देते हैं कि वो यहाँ से निकलेगा और उसको खड्डा दिखाई नहीं देगा और वो उस खड्डे में गिर जाएगा, है ना। ऐसी प्लानिंग कुछ करके रखे और बाद में क्या हो कि जब हम खेल रहे हो तो हमें ध्यान नहीं रहे कि वहां पे खड्डा बनाया था, वो मैंने ही बनाया था, लेकिन भागते भागते हम ये भूल जाए कि वहां पे खड्डा बना था। तो क्या होगा, हम खुद ही उसके अंदर गिर जाएंगे और हमें चोट लग जाएगी, है ना। तो ऐसे भी और बहुत से उदाहरण होते हैं जिसका प्रयोग हम इस पहले वाले मुहावरे का कर सकते हैं। जैसे कुआ खोदना, जो दूसरों के लिए कुआ खोदता है वह उसी में गिर जाता है, यानी कि अगर हम किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, हमें ही भगवान नुकसान पहुंचा देंगे, है ना। तो क्या करना चाहिए, हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। दूसरा है खरी खरी सुनाना, यानी कि कटु सत्य कहना, सच कहना, कड़वा सच कहना जो दूसरों को अच्छा ना लगता हो। तो प्रयोग है, सेठ जी ने नौकर को ऐसी खरी खरी सुनाई कि वह सारी हैकड़ी भूल गया। जैसे मान लो सेठ जी के घर पे चोरी हुई थी और जब सेठ जी को उसका सच पता चल गया, या उन्होंने कोई कैमरे वैमरे लगा रखे थे जिनसे उनको पता चल गया कि उस नौकर ने वहां पर चोरी की थी उनके घर में, उसी ने की थी, तो सेठ जी ने क्या किया, उनको खरी खरी सुनाई यानी कि एकदम सच बताया, दिखा दिया उसको कि देखो हमें पता है कि तुमने चोरी की है। तो क्या हुआ, जो हैकड़ी मारा था, मैंने चोरी नहीं की, नौकर मैंने चोरी नहीं की, हैकड़ी मार मार के, अक्कड़ मार मार के कह रहा था कि मैंने नहीं की, तो अपनी सारी हैकड़ी भूल जाता है। तो हम कैसे प्रयोग करेंगे, सेठ जी ने नौकर को ऐसी खरी खरी सुनाई कि वह सारी हैकड़ी भूल गया। अगला है खून पसीना एक करना, यानी कि कठिन परिश्रम करना, बहुत मेहनत करना। हमारे पापा भी क्या करते हैं, हमारे लिए अपना खून पसीना एक करके पैसे कमाते हैं ना, ताकि आप सबकी फरमाइशों को वो पूरा कर सके, है ना। तो इसका अर्थ आप क्या लिखोगे, कठिन परिश्रम करना, और वाक्य में प्रयोग क्या करोगे, पिता ने खून पसीना एक करके यानी कि बहुत मेहनत करके धन कमाया और बेटे ने बर्बाद कर दिया, यानी कि बेटे ने बिना उनके पैसे की परवाह किए कुछ ऐसी जगहों पे पैसे लगा दिए। या फिर हम कई बार ऐसे करते हैं, किसी टॉय की बहुत ज्यादा जिद करते हैं और पापा को कहते हैं हमें ये चाहिए ही चाहिए, है ना, और पापा ने कितनी मेहनत से वो पैसे कमाए होते हैं, और वो जो खिलौना होता है वो इतना अच्छा नहीं होता है, बस हमको जिद होती है। और क्या होता है, अगर हम घर पे लेकर के आते हैं, या तो हम उसके साथ दो ही दिन बाद खेलना बंद कर देते हैं, या फिर क्या करते हैं हम, वो टूट जाता है हमसे बहुत जल्दी हमारी लापरवाही की वजह से। तो क्या होता है कि पापा के पैसे तो वेस्ट हो जाते हैं ना। तो बस वही बात है कि खून पसीना एक करना यानी कि कठिन परिश्रम करना, प्रयोग पिता ने खून पसीना एक करके धन कमाया और बेटे ने बर्बाद कर दिया। अगला है यहाँ पे खाक छानना यानी कि भटकना, प्रयोग करोगे आप, नौकरी की खोज में वह खाक छान रही है यानी कि इधर उधर भटकना, यानी कि खाक छान रही है यानी कि बहुत कोशिश कर रही है फिर भी उसे नौकरी नहीं मिल रही है। चट कर जाना यानी कि सब समाप्त कर देना, खत्म कर देना, प्रयोग करोगे आप, राम के दोस्त बात ही बात में सारा खाना चट कर गए। दोस्त आए थे, बातें कर रहे थे, खाना खाने बैठे, उनको पता ही चला कब उसने साथ, कब उन्होंने क्या किया, सारा के सारा खाना खत्म कर दिया बातों ही बातों में। आगे हम अगला टॉपिक करेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी कि आपको क्या करना है, वन वर्ड करना है, यानी कि पूरी लाइन आपको दे दी उसके लिए आपको एक शब्द लिखना है। यहाँ पे सेना में काम करने वाला, तो यहीं से आंसर मिल गया आपको, आप लिखोगे सैनिक। साथ पढ़ने वाला सहपाठी, जो गाना गाता है गायक, जो बगीचे की देखभाल करता है माली, प्रतिवर्ष होने वाला वार्षिक, वर्ष आ गया इसीलिए, जो अपने देश में बनी हो, अपने देश की यानी कि स्वदेशी, जो दूसरे देश में बनी हो विदेशी, जो पढ़ा जा सके यानी कि पठनीय, बुरे आचरण वाला
दुराचारी, जो बुरा आचरण करता है, अच्छा व्यवहार नहीं करता, दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, झूठ बोलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दुराचारी। जीवन भर साथ रहने वाला उसको क्या बोलेंगे? आजीवन। जो हमारे जीवन भर साथ रहे उसको हम बोलते हैं आजीवन। अगला टॉपिक करेंगे हम यहाँ पे पर्यायवाची का। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? जब एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं तो हम उसको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे आपका नाम स्कूल में अलग है, घर पे अलग है, मम्मी आपको अलग नाम से बुलाती है, पापा आपको अलग नाम से बुलाते हैं, दादी अलग नाम से बुलाती है, तो वो सब क्या है? तो आप ही के नाम ना, यानी कि एक नाम के बहुत सारे नाम होना, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? पर्यायवाची बोलते हैं। जैसे सबसे पहले हम रात को क्या क्या कह सकते हैं? रात को हम कह सकते हैं निशा, रजनी, रात्रि। आंख को नेत्र, नयन, लोचन। चिड़िया को पक्षी, खग, विहग। चांद को चंद्रमा, शशि, सुधाकर। मनुष्य, नर, आदमी, मानव। आकाश, नभ, गगन, अंबर। मित्र, दोस्त, प्रिय, मीत। क्या कह सकते हैं हम मित्र को? दोस्त, प्रिय, मीत। और देवता को? सुर, देव, अमर। ठीक है, क्या कह सकते हैं देवता को? सुर, देव, अमर। ये बच्चों हमने किए हैं आज मुहावरे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द, और पर्यायवाची। आशा करती हूँ कि ये तीनों टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आपको क्या करना है? अपनी कॉपी में इसको नीट एंड क्लीन राइटिंग में नोट डाउन करना है और अपने अपने सब्जेक्ट के टीचर्स के पास इसे सेंड करना है। आज की मेरी कक्षा में यही समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।